हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में बात करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज क्लास 11 की चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन मींस एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर का हमने क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज देख लिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो क्विक रिवीजन सीरीज का मकसद होता है हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। जो पिछले एग्जामों में एनसीईआरटी के लाइनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है, और जो एग्जामों में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है उसको मैंने येलो लाइन से अंडरलाइन किया है। तो ये हाइलाइटर्स जो मैंने यूज किए हैं काफी इंपॉर्टेंट है। आप भी एनसीईआरटी साथ में लेकर इसको पढ़ेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, और जो हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर आपको हाईलाइट करना है। तो ये हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 क्लास 11 का। तो हम लोग सक्सेसफुली ये कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हमारा पूरा क्लास 11 कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं क्लास 12 स्टार्ट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ही फास्ट होता है। जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है दोनों आपस में जॉइंटली कोऑर्डिनेट कर काम करते हैं, और जितने भी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन है सबको रेगुलेट करने का वो काम करते हैं। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी और न्यूरल सिस्टम भी। तो न्यूरल सिस्टम आप जानते हैं रैपिड कोऑर्डिनेशन देता है, और वहीं एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है बहुत ही स्लो कोऑर्डिनेशन देगा हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। तो इतनी बातें थी, इसमें यही लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स के बारे में। अगर हम फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी की बात करें तो वो थॉमस एडिसन होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं क्या? वो डक्टलेस ग्लैंड है, आपसे पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जाएगा डक्टलेस ग्लैंड के नाम बताएं, तो वो सब आप बताइएगा जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे हैं? डक्टलेस ग्लैंड। अब जिनके पास डक्ट होती है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिनमें से एंजाइम वगैरह का सिक्रेशन होता है। तो चलिए पहले तो ये जाने हम कि हॉर्मोन आखिर होते क्या है। हॉर्मोन्स कैसे हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं मौजूद। पहली चीज, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में ये प्रोड्यूस होते हैं, और डायरेक्टली ये ब्लड में पोर कर दिए जाते हैं, इसलिए इनके पास डक्ट तो होता नहीं। ठीक है, कैसा केमिकल? तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद एएपीएमटी 2013 में पूछा गया, नीट 2013 में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आप जानते हैं जो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, उनके पास बहुत ही सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है विद फ्यू हॉर्मोन्स उनके पास मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं इसमें हाईलाइट कर चुका हूं। इसके आगे नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। ये हमारा पेज है 332, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप इसमें देख रहे हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में आपको एक पूरा लोकेशन दिखा रखा है कि कहां पे कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड का लोकेशन है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, ये तीनों का लोकेशन देख रहे हैं आप हेड में है, यहाँ ब्रेन में। इसके बाद थायरॉयड और पैराथायरॉयड का है यहाँ पे, यहाँ पर थाइमस है, यहाँ पे ये पैनक्रियाज आप देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आप पढ़ते हैं। ये एड्रेनल ग्लैंड है हमारे दोनों जो ऊपर प्रेजेंट हैं। इसके बाद टेस्टिस और ओवरी को आप देख सकते हैं मेल और फीमेल में रिस्पेक्टिवली। तो ये चीजें हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे रखे हैं जो भी ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड दो होते हैं, जैसे ये सब हमारे नॉन ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में जो है हॉर्मोन्स तो प्रोड्यूस करेंगे लेकिन ये स्कैटर्ड फॉर्म में है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और ये सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्यूटिट्री से लेकर जितने भी पैराथायरॉयड थाइमस वगैरह हैं, उसके बाद हम जीआईटी ट्रैक्ट वगैरह के हार्मोन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यह स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि लोकेशन कहाँ है हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट में होता है, जो वेंट्रल पार्ट होता है डायन्सेफलॉन का वही मौजूद होता है। डायन्सेफलॉन किसका पार्ट है? ये फोरब्रेन का पार्ट होता है, ये सब हम बात कर चुके हैं। इसके बाद इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जिनको न्यूक्लियाई बोला जाता है। इनमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सिंथेसिस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हार्मोन निकलेंगे उसका सिंथेसिस और सिक्रीशन में उनका काम होगा। जैसे कि एक हार्मोन जो होता है एज ए वो रिलीजिंग हार्मोन भी काम कर सकता है, जैसे कि GnRH, और एक सोमेटोस्टेटिन होता है वो उसको इनहिबिट करने का काम करेगा ग्रोथ हार्मोन का। तो एक दूसरे का इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन के तौर पे भी काम करता है, तो लाइन पूछा गया है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के निकलते हैं, तो कैसे निकल रहे हैं, कहां पर कौन सा चीज होता है, तो उसमें सबसे खास चीज जो होती है वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यही चीज एग्जामों में पूछी जाती है, पूछी भी गई है, वो पाइप किससे आता है, तो एम्स में पूछा गया है।
तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से। ये सबसे जबरदस्त लाइन है एनसीईआरटी की, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं जिनको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, क्या ये डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, इनका डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस के साथ। तो ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप देख रहे थे। इसके बाद एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है जिसको एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जो कि रेगुलेटेड है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एक होता है उससे ही वो रेगुलेटेड होता है। यहां समझ चुके हैं आप, जो रेड हाइलाइटर से क्वेश्चन आ चुके हैं तो ध्यान रखिएगा इसके। इसके बाद यही हम बात कर रहे थे अभी पोर्टल सर्कुलेशन की, ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे इसकी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे पहले अगर लोकेशन देखें तो ये सेला टर्शिका में मौजूद होता है। सेला टर्शिका आपको याद होगा स्फेनॉइड बोन में ये चीजें मौजूद होती है, क्रैश कोर्स में मैंने आपको बता रखा है। इसके जो अटैचमेंट होगी एक स्टॉक को, उस स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिबुलम। अब यहाँ दो पार्ट है, एक तो एडेनो हाइपोफाइसिस एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैंने आपको बता रखा है एडेनो तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ठीक है। अब जो एडेनो हाइपोफाइसिस है वो दो पार्ट में बांटे जा चुके हैं, एक तो पार्स डिस्टेलिस में और एक पार्स इंटरमीडिया में। और पार्स डिस्टेलिस से जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा, चलिए उसको देखते हैं। एक तो हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन है, नेक्स्ट पीआरएल प्रोलैक्टिन जैसे बोला जाता है, नेक्स्ट है टीएसएच जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फिर है एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसके बाद पार्स इंटरमीडिया से मेलनोसाइट रिलीज होते हैं, ये भी हमारा खास है एमएसएच होता है ये। इसके बाद जो पार्स इंटरमीडिया हो गए, तो पार्स इंटरमीडिया जनरली ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टेलिस से, ये चीजें आपको याद रखनी है, ह्यूमंस में चीजें मर्ज होती है। अब आगे देखिए, अब न्यूरो हाइपोफाइसिस है जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला जा रहा है, पार्स नर्वोसा का वो पार्ट है, उससे जो चीजें रिलीज होंगी उनमें से दो खास हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, होते भी दो ही रिलीज हैं, तो ये पार्स नर्वोसा रीजन का है, काफी इंपॉर्टेंट है दो हार्मोन। इसके बाद आगे की ओर हम बढ़ते हैं, अगर देखिए ओवर सिक्रेशन हो रहा है जीएच का तो गिगंटिज्म का केस मिलेगा आपको चाइल्ड में देखने का, अगर लो सिक्रेशन हो रहा है तो ड्वार्फिज्म का केस आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे अगर एडल्ट्स में एक्रोमेगेली का केस देखा गया है मिडिल एज में, ये हो जाता है प्रीमैच्योर डेथ भी हो जाती है इसमें, बिल्कुल फिगर जो है डिसफिगर हो जाता है, फेशियल बोन वगैरह फोरलिम्स में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वहां पे ग्रोथ हो जाता है। तो एडल्ट में जो ग्रोथ होता है जनरली एडल्ट में क्यों नहीं ग्रोथ होता 22 साल के बाद, क्योंकि जो एपिफाइजल प्लेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं एडोलेसेंस के बाद। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में, 2017 या 18 में क्वेश्चंस आए हैं यहां से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए सब हार्मोन के फंक्शन देखते चलते हैं। पहला है प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन का काम है मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ करना और उनमें मिल्क का फॉर्मेशन करना। इसके बाद आते हैं हम टीएसएच में, तो टीएसएच भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह स्टिमुलेट करेगा जो भी सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन्स का उसको। उसके बाद एसीटीएच की बात करते हैं, जो एसीटीएच होता है जिसको एड्रेनल कॉर्टेक्स जो कि निकलता है, तो उसमें काम करेगा जनरली जो एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह वहां पे काम करते हैं। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोफिन्स, तो जो गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं मेनली ये हेल्प करते हैं एलएच और एफएसएच के तौर पे। जो एलएच होते हैं तो एंड्रोजन टेस्टिस से ये निकलता है, ये ओवुलेशन को भी इंड्यूस करने का काम करते हैं जनरली। इसके बाद हम बात करते हैं एफएसएच की, जो एफएसएच होता है जनरली ग्राफियन फॉलिकल्स को डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए इनका हेल्प होता है। तो यहाँ पर हम सारी बात कर चुके हैं जो एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद हम देखेंगे एमएसएच के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट खास है, यह स्किन को पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, बस इतना सारा काम है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन का काम हम देखें, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में ये मदद करेगा, और दूसरी चीज मिल्क इजेक्शन में ये चीजें मदद करती हैं। इसके बाद बारी आती है वैसोप्रेसिन की, एडीएच इसको बोलते हैं, हम इसकी बात कर चुके हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी, ऐसे ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स से। इसके बाद जो एडीएच हार्मोन भी इसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन को ही, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर एडीएच को अफेक्ट हो गया है, जो सिंथेसिस उसका अफेक्ट हो गया है, तो डायबिटीज इंसिपिडस के केस देखे गए हैं, तो डायबिटीज इंसिपिडस में टॉयलेट बहुत ज्यादा से ज्यादा आता है, क्योंकि बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है, इसलिए चीजें होती हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। टेस्ट जो है टेस्टलेस यूरिन इसको बोलते हैं, ड्रिंकर्स डिजीज जनरली होते हैं, जो भी ड्रिंक करते हैं उन्हें ये चीजें होती हैं जनरली, लो बीपी वगैरह के कंडीशन इसमें ही तो होते हैं डिहाइड्रेशन वगैरह के। अब नेक्स्ट बारी आती है पीनियल ग्लैंड के बारे में, ये भी हमारा काफी खास पार्ट है,
पीनियल ग्लैंड का सबसे पहले हम लोकेशन देखें। लोकेशन आपसे पूछा जाता है, लोकेशन कहाँ है, जो फोर ब्रेन का डॉर्सल साइड है वहां पे इसका लोकेशन होता है। एक हार्मोन निकलेगा इसमें से जिसका नाम है मेलाटोनिन, बॉडी के रिदम को मेंटेन करने का काम करता है, जो सर्काडियन रिदम होता है, डायर्नल रिदम होता है 24 घंटे का, उसको मेंटेन करने का काम करेगा। स्लीप साइकिल हो, बॉडी टेम्परेचर हो, या मेटाबॉलिज्म हो, या बहुत सारे चीज जैसे पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी वगैरह को मेंटेन करने का ये काम करता है। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है पीनियल ग्लैंड, एक छोटा सा ग्लैंड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे थायरॉयड ग्लैंड की। आपका थायरॉयड ग्लैंड का वेंट्रल और डॉर्सल साइड का फोटो दे रखा है इसमें, और इसमें पैराथायरॉयड भी चार दिखा रखे हैं। तो पहले हम देखेंगे थायरॉयड ग्लैंड के बारे में। थायरॉयड ग्लैंड का लोकेशन अगर हम बात करें तो जो ट्रैकिया होते हैं, तो ट्रैकिया के दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो ट्रैकिया और लैरिंग्स का जो जंक्शन होता है वहां पे ये चीजें मौजूद होती हैं। सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी का, बाइलोब्ड ग्लैंड होते हैं ये बिल्कुल। इनमें जो कनेक्शन होता है इस्थमस, जो कि लोब को कनेक्ट करने का काम करता है, एक थीन फ्लैप कनेक्टेड टिश्यू होता है। हर एक लोब बने हुए होते हैं किससे, फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यूज से। जो फॉलिकुलर सेल्स होंगे फॉलिकल में, उनसे रिलीज होगा T3 और T4 हार्मोन रिलीज होता है उसमें। जो T3 है तो ट्राइएड्रोथायरोनिन, और T4 जो है थायरोक्सिन, जिसको टेट्राएड्रोथायरोनिन बोलते हैं। इसके बाद दो कंडीशन इसमें देखे जा सकते हैं, चाहे तो हाइपोसेक्रेशन की और एक हाइपरथायरॉयडिज्म की। ये दो कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं किन में क्या हो रहा है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करेंगे। मिस हार्मोन, जो थायरॉयड हार्मोन है, अगर उनका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, तो अगर चाइल्डहुड का अगर केस है तो उनमें क्रेटिनिज्म देखा जाता है। पूछा गया आपसे क्वेश्चन, जो प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं तो उनमें जो बच्चे पैदा लेते हैं वो डेवलपमेंट और मैचुरेशन में उनका प्रॉब्लम हो जाता है। चिल्ड्रन क्रेटिन पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्ड होते हैं बिल्कुल, लो IQ होता है उनका, एबनॉर्मल स्किन होता है। तो ये सब चीजों से बच्चे पीड़ित होते हैं, डीप म्यूटिज्म, बड़े हो जाते हैं लगभग बच्चे। तो ये सब चीजें जो होती हैं चाइल्डहुड कंडीशन में, क्रेटिनिज्म होता है, हाइपोसिक्रेशन से ही होगा। एक और जो डिजीज है वो मिक्सिडेमा होता है, सिंपल गोटर वगैरह आपने सुना होगा, गोइटर वगैरह। तो ये सब चीजें होती हैं एडल्ट वोमेन में भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल इरेगुलर हो जाएंगी। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन अगर देखें जिसमें हाइपरसिक्रेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा गया है, एक्सोथैल्मिक गोइटर, जिसको ग्रेव्स डिजीज भी बोला जाता है या बेस्टर डिजीज भी बोला जाता है। इसमें जो आई बॉल्स होते हैं वो बिल्कुल प्रोट्रूड कर जाते हैं, और BMR जो होता है बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगा। वेट लॉस है वो भी बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा, वेट लॉस होता चला जाएगा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हमारा अगर फंक्शन देखें, सिंपल सा जो भी थायरॉयड हार्मोन होते हैं BMR को रेगुलेट करने का, जो इरिथ्रोपोयोसिस है मींस RBC का फॉर्मेशन, उसको सपोर्ट करने का ये काम करता है। इसके बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं उनको मेटाबोलाइज करने का काम करेगा जनरली। और इसके बाद जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। इसमें से ही एक हार्मोन है जो कि TCT होता है, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। इसके बाद बारी आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चार होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कहां प्रेजेंट है, तो थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं ह्यूमंस के केस में। हार्मोन आप देख ही रहे हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको PTH बोलते हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं। जो सिक्रेशन है ना PTH का, ये रेगुलेट होता है कैल्शियम आयन से ब्लड में सर्कुलेटिंग लेवल पे। फंक्शंस अगर इसका देखें तो काफी इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस रहे हैं पैराथायरॉयड के। पहला चीज, कैल्शियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज करने का काम करता है। इसके बाद जो भी बोन्स हैं या जो बोन का प्रोसेस चल रहा है रीअब्सॉर्प्शन का, जिसको डिजोल्यूशन या डिमिनरलाइजेशन बोलते हैं, उसमें भी इनका गजब का हेल्प होता है। इसके बाद जो PTH है और जो TCT होते हैं, दोनों साथ मिलकर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कैल्शियम आयन को बॉडी में बैलेंस करने का। दोनों PTH एक होते हैं और एक होता है TCT, दोनों आपस में एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक हार्मोन की तरह यहाँ पे बिहेव करता है। तो हम इंपॉर्टेंट फंक्शन देख रहे थे जो भी पैराथायरॉयड ग्लैंड के थे। अब बारी आती है थाइमस के बारे में। जो थाइमस होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ग्लैंड है, एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि हमारे हार्ट के डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होता है। जो ब्रेस्ट बोन आप देख रहे हैं ना, तो ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होता है। अगर हम हार्मोन की बात करें, जो हार्मोन रिलीज होते हैं इसमें से, थाइमोसिन आप पढ़े होंगे, पेप्टाइड हार्मोन होता है ये बिल्कुल। अगर इस हार्मोन का फंक्शन देखें तो जो भी इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम को जनरली डेवलपमेंट में मदद करता है। और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स का ट्रेनिंग स्कूल होता है ये थाइमस ग्लैंड।
तो टी लिम्फोसाइट एक प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, आप पढ़ते हैं इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तभी तो इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। और भी ह्यूमरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में भी बड़ा ही काम होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने में काम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे थाइमस भी डिजनरेट करता चला जाता है, लेकिन थाइमस आपको याद रखना है कभी डिजनरेट कंप्लीटली नहीं करता, नेवर डिजनरेट्स कंप्लीटली थाइमस, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी यही है। इसके बाद प्यूबर्टी में तो बहुत स्मॉल साइज के हो जाते हैं और ओल्ड पर्सन काफी कमजोर हो जाते हैं इसी के कारण, क्योंकि उनमें थाइमस डिजनरेट कर रहा होता है। इनमें से अगर हाइपोसेक्रेशन हो गया है थाइमोसिन का तो माइस्थेनिया ग्रेविस होगा, हम इसकी बात कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एड्रेनल ग्लैंड की ओर हम बढ़े, काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारा। इसमें दो रीजन होते हैं, ये तो आप जानते हैं कहाँ होता है, जो एंटीरियर पार्ट है हमारा किडनी का वहीं पे ये मौजूद होता है हर एक किडनी में। इसमें से ट्रिपल एफ ग्लैंड इसको बोलते हैं, हम आगे देखते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक तो एड्रेनल मेडुला और एक एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, जो कि आउटर पार्ट होता है, लगभग 80-90% ये पार्ट को ऑक्यूपाई करने का काम करता है। और जो होता है मेडुला, जो इनर पार्ट होता है, जो लगभग 10-20% पार्ट को ऑक्यूपाई करने का काम करता है। तो मेडुला जो है एक्टोडर्मल ओरिजिन है और जो कॉर्टेक्स है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद हम एक डिजीज की बात कर रहे हैं जिसका नाम है आपका एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज क्या होता है, एक एड्रेनल हार्मोन डिसऑर्डर है, हाइपोसिक्रेशन से होता है एड्रेनल हार्मोन के, जिसको हाइपो एड्रेनलिज्म बोलते हैं। इसमें चीजें क्या होती हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, सबसे खास चीज इसकी यही है, डिहाइड्रेशन के बाद ब्लड प्रेशर, बीएमआर, बॉडी टेम्परेचर सारे कम हो जाते हैं बिल्कुल। अब ऐसा होगा तो वाटर का एक्सक्रेशन और सोडियम आयन बिल्कुल इंक्रीज हो जाते हैं, तो काफी जो होते हैं लोग वो काफी कमजोर हो जाते हैं इसमें। तो ये सब चीजें हैं एडिसन्स डिजीज के बारे में थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद ये आप डायग्राम देख सकते हैं, एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पर दिखा रखा है और यहाँ कॉर्टेक्स पार्ट दिखा रखा है और यहाँ मेडुला पार्ट दिखा रखा है। इसके बाद एड्रेनल मेडुला है, दो तरह के हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही नॉर एपिनेफ्रिन बोला जाता है और नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनलिन को, दोनों को मिलाकर कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, ये हमें याद रखना। इसके बाद इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोला जाता है, इसको ट्रिपल एफ ग्लैंड भी बोला जाता है, तो फाइट फ्लाइट और फ्राइट, इसको फोरेस्ट ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि स्ट्रेस में, सुगर मेटाबॉलिज्म में, सॉल्ट रिटेंशन में, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में ये मदद करते हैं। इसके बाद काम क्या होगा दोनों हार्मोन्स का, दोनों हार्मोन्स का जो जनरली काम होता है ये हार्ट बीट को इंक्रीज करने का काम करेंगे। अब बताओ हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेंगे, अलर्टनेस बढ़ाने का काम करेंगे, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ देंगे, इससे रेस्पिरेशन का जो स्टेप है वो बिल्कुल बढ़ता चला जाता है। और भी कैटेकोलामाइंस करते हैं, जो ग्लाइकोजन होता है उनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। इसके बाद ब्रेक डाउन लिपिड और प्रोटीन का भी करते हैं। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है उसको तीन लेयर में डिवाइड किया जाता है। पहला है जोना रेटिकुलरिस, जो सबसे अंदर का लेयर होता है, अब अंदर से बाहर की ओर चल रहे हैं, फिर जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलेसा। इसके बाद यहां तक हमारा इंपॉर्टेंट ये पार्ट था। अब बात आती है कॉर्टिकॉइड्स की, तो दो कॉर्टिकॉइड्स हम यहां पर देख रहे हैं, ऐसे तीन होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स इसको बोलते हैं, जिसको एंड्रोजेनिक एस्ट्रोइड्स बोला गया है। सबसे पहले बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, ये जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होते हैं, जिसको कॉर्टिसोल भी बोला जाता है। जनरली ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, लाइपोलाइसिस में और प्रोटियोलाइसिस में। जनरली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जो है हमारे बॉडी का, उसको मेंटेन करने का ये काम करते हैं और आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ये हम देख रहे थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। इसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, बॉडी में हमारा आयन बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोला जाता है। ये जनरली कंट्रोल करते हैं जो सोडियम आयन होता है उनका, ये जनरली पोटेशियम आयन वगैरह को। इसके बाद हम देख रहे हैं कॉर्टिसोल के बारे में, कॉर्टिसोल के बारे में आपको सब कुछ मैंने बता रखा है यहाँ पर, कैसे आरबीसी प्रोडक्शन वगैरह होगा। लास्ट हमारा एंड्रोजेनिक एस्टेरॉइड, जिसको सेक्सो कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। जनरली इनमें से जो निकलेंगे चीजें वो एंड्रोजेन निकलते हैं और एस्ट्रोजेन निकलते हैं। क्या चीज को प्रमोट करेगा, एक्सियल हेयर को, प्यूबिक हेयर को, फेशियल हेयर को प्यूबर्टी के बाद, और भी कुछ जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बढ़ावा देने का काम यही करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ग्लैंड पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज के बारे में तो आपने पढ़ा होगा डाइजेशन में भी, जो पैनक्रियाज होते हैं कंपोजिट ग्लैंड होते हैं, जिनको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है पैनक्रियाज को, तो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। इसके बाद अगर हम इसके टिश्यूज की बात करें तो इनमें तो आप जानते हैं दो होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। जनरली जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है, जिसमें आइलेट्स लैंगर ऑफ हैंस होते हैं इनमें मौजूद, लगभग 1-2 मिलियन होते हैं, मीन्स 1% पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है और 99% जो पार्ट होता है वो पैनक्रिटिक एसिनाई होता है, मीन्स एक्सोक्राइन पार्ट होता है।
इनमें से जो हॉर्मोन्स निकलेंगे वो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलेंगे, बीटा सेल से इंसुलिन निकलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकागॉन के बारे में। एक पेप्टाइड हार्मोन होता है तो आप जानते ही हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को जनरली मेंटेन करने का ये काम करता है। ग्लूकोज एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसके बाद ग्लूकागॉन मेनली किस पे काम करेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, हेपेटोसाइट जो लीवर के सेल्स होते हैं उनमें उनपे ये काम करते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का जो स्टिमुलेशन है उसको प्रोवाइड कराने का ये काम करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसके बाद एक कंडीशन होती है हाइपरग्लाइसीमिया की, तो हाइपरग्लाइसीमिया भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एक्ट करेगा वही हेपेटोसाइट्स पे जो कि लीवर सेल्स होते हैं, और एडिपोसाइट्स आपने पढ़ा होगा एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, जो सेलुलर ग्लूकोज लेवल है उसको अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देने में ये काम करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल में डिक्रीज कर गया इंसुलिन तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। तो कन्वर्जन जो है ग्लाइकोजेनेसिस टारगेट सेल्स में ये होते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ ग्लूकोज होगा हमारे यूरिन से और कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ट्रीटमेंट जो कराते हैं इसमें इंसुलिन थेरेपी। इसके बाद बारी आती है गोनेड्स के बारे में जो कि टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस हमारे कहाँ प्रेजेंट है तो आपको पता ही होगा, जैसे मेल है तो मेल में टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, स्क्रोटल सैक में। फीमेल में ओवरी होता है जो कि प्रेजेंट है, फीमेल्स में प्रेजेंट है। पहले हम देखते हैं टेस्टिस के बारे में। आउटसाइड एब्डोमेन ये प्रेजेंट होते हैं मेल इंडिविजुअल्स में। टेस्टिस का जनरली दो काम होता है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ही मैं मानता हूं, इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो जनरली सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, एस्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो लेडिक सेल्स होते हैं, लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है, जिनमें से जो हार्मोन निकलते हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो कि एंड्रोजन का ही पार्ट होता है। इसके बाद एंड्रोजन का आप काम देख सकते हैं यहाँ पर। जो भी मेल्स एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जैसे पीडीडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा वगैरह के डेवलपमेंट मैचुरेशन में इनका काम होता है। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करने का ये काम करते हैं, और सीएनएस पे ये काम करेंगे जिससे मेल सेक्सुअल बिहेवियर वो भी इन्फ्लुएंस होता है, जिसको लिबिडो बोलते हैं। इसके बाद ये हॉर्मोन वैसे होते हैं जो हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे भी एनाबॉलिक इफेक्ट छोड़ते हैं। इसके बाद हम बारी आती है ओवरी के बारे में। ओवरी क्या होते हैं, ओवरी में दो पार्ट यहाँ जनरली हम पढ़ते हैं, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में और उससे ही सिक्रेट होगा, दो चीजें हम यहाँ प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और इस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग एस्ट्रॉयड हार्मोन होते हैं, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ओवरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यूज से बने हुए होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन रही है नीट की पिछले सालों में, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सिक्रेट होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट कहां से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद हम इस्ट्रोजन की बात करें तो जो भी मेमरी ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट में काम होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर हो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट वगैरह में ये काम होता है, अगर हाई पिच वॉइस वगैरह को डेवलप करने का, फेमिनिन वॉइस को डेवलप करने का काम होता है, तो ये सब काम रहे हैं इस्ट्रोजन के। अब बात आती है प्रेगनेंसी कौन हार्मोन होता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, काफी इंपॉर्टेंट है। और भी काम है प्रोजेस्ट्रॉन का, जो भी फॉर्मेशन है एल्वोलाई का, एल्वोलाई कहां, मेमरी ग्लैंड का बात चल रहा है यहाँ पे, तो मिल्क सिक्रेशन में भी ये मदद करता है। इसके बाद कुछ बारी आती है वैसे हार्मोन्स जो हार्ट, किडनी और जीआईटी ट्रैक्ट से सिक्रेट होते हैं, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मींस इसको बोल सकते हैं हार्मोन्स जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज के हैं। जैसा कि पहला जो हार्मोन है वो हार्ट के बारे में हम बात करें, जो हार्ट से निकलता है, तो जो हार्ट का एट्रियल वॉल है ना, तो वहां से एक इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ANF, एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है नीट का। इनमें करेंगे क्या, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करेंगे। अब जब ब्लड वेसल डायलेट हो चुका है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद जो JGA सेल होते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जो किडनी के, तो उनमें से निकलेगा इरिथ्रोपोएटिन और रेनिन। तो इरिथ्रोपोएटिन आप याद रखेंगे, यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन, रेनिन का हम जिक्र कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। इनका काम क्या है कि इंक्रीज कर देगा रीअब्सॉर्प्शन वाटर और सोडियम आयन का यूरिनिफेरस टिब्यूल में। इसके बाद जो जीआईटी से निकलते हैं हार्मोन, चार हार्मोन की बात करेंगे, पहला है गैस्ट्रिन, देन सेक्रेटिन, सीसीके और जीआईपी। पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जनरली सेक्रेशन करेंगे एससीएल का और पेप्सिनोजेन का सेक्रेशन करेंगे। इसके बाद जो सेक्रेटिन होते हैं, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को सेक्रेट करने का काम करेंगे। इसके बाद जो कोलेसाइस्टोकाइनिन होता है जिसको सीसीके बोलते हैं, वो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे काम करेंगे, जिससे पैनक्रियाज से सेक्रेट होगा पैनक्रेटिक एंजाइम और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। जो जीआईपी होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेप्टाइड, उनसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी में वो काम करते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं, तो
तो ये भी ग्रोथ फैक्टर जो स्टिमुलेट करेंगे ग्रोथ को, कोई भी रिपेयरिंग वगैरह चल रही हो तो उसमें ये काम करते हैं। इसके बाद बारी आती है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जैसे कोई भी हार्मोन है उसका एक्शन कैसे चलता है, कैसे वो काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले कोई भी हार्मोन है अपने टारगेट टिश्यू पे ही काम करते हैं, वहां हार्मोन रिसेप्टर जाकर बाइंड कर जाता है उस टिश्यू पे, क्योंकि हार्मोन हमेशा हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। इसके बाद कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी होते हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जाकर। यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दे रखे हैं जो कि कैसा नेचर का कौन सा हार्मोन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद इस बार भी मैं यहाँ गेस कर रहा हूँ, शायद इस बार इससे क्वेश्चन पूछा जाए इस वाले पार्ट से, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई डिजीज से क्वेश्चन जरूर पूछी जाएगी, चाहे ग्रेव डिजीज हो, मिक्सिडेमा वगैरह हो, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इस बार जरूर पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं हम अपने पेप्टाइड हार्मोन को, जो पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं, जो प्रोटीन हार्मोन के होते हैं। एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं आप इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इसके बाद एस्ट्रॉयड हार्मोन की बात करें, जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन पूछा गया है, इसके अलावे एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन पूछा जा सकता है। आइडोथायरोनिन्स के एग्जांपल हैं थायरॉयड हार्मोन्स, इसके अलावे अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के एपिनेफ्रिन। इसके बाद जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर एक सेकेंडरी मैसेंजर आपसे पूछे जाते हैं, बहुत पहले पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। एग्जाम्पल है साइक्लिक एएमपी, आईपी3 और कैल्शियम आयन। ठीक है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जैसे एस्ट्रॉयड हार्मोन्स हैं, आइडोथायरोनिन है। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये बिल्कुल डायग्राम ऊपर का आप जो पार्ट देख रहे हैं प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। यहाँ पर हार्मोन का एग्जांपल एफएसएस दे रखा है, यहाँ रिसेप्टर मौजूद है, रिस्पांस आया, यहाँ जनरेट हुआ सेकेंडरी मैसेंजर, एग्जांपल याद रखेंगे आप। इसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स देगा, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, जैसे ओवरियन ग्रोथ, एफएसएच है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद बारी है एस्ट्रॉयड हार्मोन की, ये आप देख रहे हैं एस्ट्रॉयड हार्मोन यहाँ पे। तो एस्ट्रॉयड हार्मोन क्या है, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होता है, तो हार्मोन अंदर इंटर कर गया, अब ये बात चल रही है अंदर की, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे चल रहा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की हमने बात किया था तो यही वो बना है जाकर। अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें तो ज्यादा डिफरेंस, बहुत अच्छा डिफरेंस जो अगर देखें हम, तो ये चीजें जो चल रही हैं प्रोटीन हार्मोन दोनों का मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक तरफ मैं डिवाइड कर रहा हूं प्रोटीन हार्मोन को और एक तरफ एस्ट्रॉयड हार्मोन। जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, एस्ट्रॉयड वाले लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। प्रोटीन हार्मोन मेम्ब्रेन लेवल पे काम करेंगे और ये करेंगे जीन लेवल पे, ये करेंगे फास्ट एक्शन होगा और इनका बेहद स्लो एक्शन होता है। ये लंबे ड्यूरेशन तक चलते, शॉर्ट ड्यूरेशन तक चलेंगे प्रोटीन हार्मोन और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेंगे एस्ट्रॉयड हार्मोन। ये जनरली फ्री फॉर्म में होते हैं ब्लड में प्रोटीन हार्मोन और ये बाइंडेड फॉर्म में होते हैं ब्लड में। इसके बाद जो रेगुलेट करेंगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को और ये करेंगे जीन एक्सप्रेशन को या क्रोमोसोम के फंक्शन को रेगुलेट करने का यहाँ पे काम चलता है। तो ये हम देख रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के जो थ्योरेटिकल पार्ट थी चैप्टर की, आप एक बार समरी पढ़ लेंगे और इसके बाद जो चैप्टर है उसकी भी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं डील करता चलूंगा। पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 4, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला है इधर हार्मोन्स का नाम दे रखा है और इधर टारगेट ग्लैंड के आपको नाम लिख रहे हैं। सबसे पहला आप खुद ही बताओ, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स नाम बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है थायरोट्रोफिन, जिसको टीएसएच बोला जाता है, कहां से टारगेट ग्लैंड है, थायरॉइड ग्लैंड है। कॉर्टिकोट्रोफिन है, टारगेट ग्लैंड क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है। एलएच और एफएसएच के लिए टेस्टिस और ओवरी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है लास्ट एमएसएच, मेलेनोट्रोफिन, तो क्या है, मेलेनोसाइट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट था। इसके बाद हम अगली पार्ट की बात करें, इनमें से आपको एग्जांपल देने हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ। पहला है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लूकागन होता है, हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन, हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन पीटीएच होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। इसके बाद गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन के एग्जांपल आप खुद ही बताओ, एलएच और एफएसएच। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एग्जांपल तो नाम से ही पता लग रहा है, प्रोजेस्टेरोन या एससीजी भी हो सकता है, ये दोनों को एंटी अबॉर्शन हार्मोन बोला जाता है। इसके बाद ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन नॉरएड्रेनालिन होता है। इसके बाद एंड्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल जिक्र आया है। इसके बाद हम बात करें मैच द फॉलोइंग के बारे में, तो ये भी बड़ा ही सिंपल है, अब खुद ही इसको मैच करके बताओ। जैसे T4 है, थायराइड से मैच कर दूं, बिल्कुल। पीटीएच है तो नाम से ही पता चल रहा है पैराथायरॉइड से करना है। जीएनआरएच है तो हाइपोथैलेमस से करना है। एलएच है तो पिट्यूटरी से करना है। तो सिंपल सी बातें थी, पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन निकले थे वहां इनका जिक्र हुआ है। तो एक और क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, विच हार्मोनल डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, पहला है डायबिटीज मेलाइटस, तो इंसुलिन की कमी से। गोइटर है तो थायरोक्सिन की कमी से। क्रेटिनिज्म है तो थायरॉयड हार्मोन की कमी से। तो यहां पर ये हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 22
और इसी के साथ क्विक रिवीजन सीरीज भी हमने देख लिया है और पूरी तरह से हमारा चैप्टर खत्म हुआ। और इसके साथ ही हमारा पूरा का पूरा क्लास 11 का जो चैप्टर है सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट था 1 से लेकर 22 चैप्टर तक, मींस द लिविंग वर्ल्ड से लेकर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस एंडोक्राइन सिस्टम तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज मैंने लगा रखे हैं, शायद 105 वीडियोस होंगे 20-20 मिनट के, तो आप आराम से टाइम निकालकर कभी भी देख सकते हो। 15-20 मिनट का सारे वीडियो है, कोई कोई वीडियो 10 मिनट का भी है, कोई कोई वीडियो 30 मिनट का भी है। मैक्सिमम विद इन आपको कुछ घंटों में ही ये पूरा का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हर एक चैप्टर पर आप 1 घंटे भी देते हो ना तो पूरा का पूरा चैप्टर 22 से 25 घंटे में, मींस 3 से 4 दिनों में आराम से खत्म हो जाएगा अगर आप देखते हैं अच्छे से तो। बिल्कुल एग्जाम के पहले तो देखना ही चाहिए क्योंकि कोई भी चैप्टर विद इन 1 घंटे में कंप्लीट कर ले रहे हो, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बताता चल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में वही चीजें स्ट्राइक करती हैं। एक्स्ट्रा तो बहुत पढ़ लेंगे आप, लेकिन एक्स्ट्रा चीज एग्जाम में थोड़ी ही पूछी जाती है। आपको मैं बहुत बता दूंगा कि ये होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं हार्मोन वगैरह, तो पूछा जब जाएगा ही नहीं तो फायदा क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी जो एक्स्ट्रा भी थी एनसीईआरटी से, उसको भी मैंने बता रखा है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो उसमें 16 चैप्टर होंगे पूरे, तो वो भी मैं आपका नीट एग्जाम के पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह बिट्स फॉर बायोलॉजी पे आपका इस तरह सपोर्ट मिल रहा है बहुत, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।